फुले ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, भले ही ओवैसी मातोश्री में ना जाए लेकिन उद्धव ठाकरे ओवैसी को ढूंढने हुए उनके पास जरूर जाएंगे। एकनाथ शिंदे अच्छे मुख्यमंत्री है, वह कभी रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकते, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है। एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे जैसे सोने के चम्मच से बादाम का जूस पीने वाले नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे सीधे मुख्यमंत्री बने, आज तक कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की बराबरी नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अच्छी जोड़ी है और इसी जोड़ी के डर से महाविकास अगाड़ी में भगदड़ मची हुई है, ऐसा बावन कुल ने कहा। उनने सारा हिंदुत्व छोड़ दिया है, हिंदुत्ववादी भूमिका छोड़ दी है और स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो विचार था हिंदुत्व का वो छोड़ दिया है। अब ओवैसी भलाई एक बार मातोश्री पे नहीं आएंगे लेकिन उद्धव जी खोजते 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 जहाँ ओवैसी हो गए वहाँ जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी जैसा अच्छा मुख्यमंत्री जिन्होंने संपूर्ण जीवन पूरा जीवन समाज के आखिरी आदमी के हित के लिए समर्पित किया है, उनके पूरे जीवन में अनेक दुर्घटनाओं से अनेक घटनाओं से वो बड़े हुए हैं, वो कभी किसी रिमोट कंट्रोल पर नहीं चल सकते हैं। वो एक अच्छे जानकार नेता है और एकनाथ शिंदे जी को ग्राउंड रियलिटी, उनने पूरा जीवन समाज के हित के लिए समाज के आखिरी आदमी का भला करने के लिए जिया है। वो ऐसा नेता नहीं है, ऐसा नेता नहीं है एकनाथ शिंदे जी कि जो सोने का चम्मच से बादाम का जूस पी के आते ऐसा बोलते हैं ना, वैसा नेता नहीं है एकनाथ शिंदे। वो है आदित्य ठाकरे, वो है उद्धव ठाकरे कि बचपन से ही कभी उन्होंने कई गरीब आदमी का दुख नहीं देखा है, कभी किसी के पास वो गए नहीं हैं। वो तो केवल डायरेक्ट मुख्यमंत्री बिना चुन के आए हुए, कौन सा चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे जी ने, कौन सा चुनाव लड़ा है? और वो तो फिर मुकर गए कि वो तो MLC का भी रेजिग्नेशन देने वाले थे, बैठे ही है वो। तो ये सब ये है, एकनाथ शिंदे की बराबरी ये नहीं कर सकते हैं। देवेंद्र जी एकनाथ जी दोनों बढ़िया जोड़ी मिली है, दोनों जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी ये दोनों जोड़ी का डर कैसा लग रहा है, जैसा मुगलों के समय पर संताई धनाजी थे तो संताई धनाजी का डर ऐसा था कि संताई धनाजी का नाम सुनते मुगल भाग जाते थे, ऐसी स्थिति बनी है महाराष्ट्र में भी। ये दोनों संताई धनाजी बने हुए हैं, जोरों से काम कर रहे हैं और ये भाग रहे हैं, ये अभी आगे दिखेगा आपको 2024 में।